महेंद्र सिंह धोनी से प्रभावित हुए बिना कोई रह नहीं सकता, फिर चाहे वो सौरभ गांगुली ही क्यों ना हो, जिन्होंने टीम इंडिया में धोनी को अपनी जगह पक्की करने का अपनी कप्तानी में भरपूर मौका दिया था। गांगुली ने धोनी की बैटिंग क्रम पर नंबर 7 पर भी आजमाया और जब वहां थोड़े फीके रहे तो उन्हें अपनी जगह नंबर 3 पर भी बैटिंग के लिए भेजा। फिर वक्त ने करवट ली और सौरभ गांगुली की टीम की कप्तानी भी छिनी और वो टीम से बाहर हो गए। लेकिन चैंपियन दादा ने चैंपियन वाले अंदाज में एक बार फिर वापसी की है और फिर वो 2008 तक लगातार क्रिकेट खेले। मौजूदा BCCI अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली हाल ही में टीम इंडिया के टेस्ट ओपनिंग बल्लेबाज मयंक अग्रवाल से BCCI टीवी के खास कार्यक्रम ओपन नेट्स विद मयंक पर रूबरू हुए। इस मौके पर गांगुली ने धोनी के हैरानी भरे फैसले और अपनी विदाई टेस्ट मैच को याद किया। दरअसल गांगुली ने अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इस टेस्ट मैच में MS धोनी टीम इंडिया की कमान संभाल रहे थे। इस सीरीज के लिए अनिल कुंबले कप्तान थे, लेकिन नागपुर टेस्ट से पहले दिल्ली टेस्ट में उनका हाथ चोटिल हो गया और कुंबले ने उसी टेस्ट से संन्यास ले लिया। दरअसल करियर के आखिरी लम्हों में गांगुली भी धोनी के फैसले को देख कर हैरान रह गए। उन्होंने मैच के अंतिम क्षणों में गांगुली को ही टीम की कप्तानी करने को कहा। धोनी चाहते थे कि सब गांगुली को एक कप्तान के तौर पर पहचानते हैं और उन्हें उसी अंदाज में टीम की कप्तानी करते हुए क्रिकेट को अलविदा कहना चाहिए। धोनी के इस फैसले को याद करते हुए गांगुली ने कहा, मेरा आखिरी टेस्ट नागपुर में था, ये अंतिम दिन का अंतिम शस्त्र था। मैं विदर्भ स्टेडियम में मैदान की ओर नीचे उतर रहा था, वो सभी मेरे पास खड़े थे और मैं मैदान में आ रहा था। मैच में कुछ ही ओवर बाकी थे कि धोनी ने कप्तानी की मशाल गांगुली को देने का निर्णय किया। गांगुली ने कहा, ये मेरे लिए हैरानी भरा था, मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन MS धोनी ही है। वो हमेशा अपनी कप्तानी की ही तरह हैरानियों भरे हैं। हम टेस्ट मैच जीतने वाले थे और मेरे दिमाग में रिटायरमेंट चल रही थी। मैं नहीं जानता था कि उन 3-4 ओवरों में मैंने क्या किया। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।